नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जीएक्स वर्ग 3 के प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि जीएक्स वर्ग 3 में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसका बेसिक तरीका क्या है, मीन्स जो भी हम इनपुट आउटपुट को लिखेंगे कैसे लिखेंगे और फास्ट वे क्या है उसको लिखने के लिए। तो आज इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं लिखना तो उस समय हमारी स्पीड स्लो होती है, तो हम इस समय कुछ बेसिक पॉइंट आपको हम बता देते हैं जो कवर करा देते हैं बेसिक पॉइंट, ताकि इनकेस जब आगे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इन सबका ध्यान रखेंगे या फिर कैसे इन सभी पॉइंटों को यूज करना है इसके बारे में आपको पता चलेगा। मैं काफी सारे इस पे जो शॉर्ट वीडियो है मैं बना लूंगा, जिसपे मीन्स कैसे जो इसके शॉर्टकट की है कैसे यूज करना है, अभी कैसे प्रोग्राम में राइट करना है, उन सभी पॉइंटों को मैं बताऊंगा दोस्तों। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए और पूरी पॉइंट को देखिए अच्छे से, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आए और सभी पॉइंट को आप यूज कर सके। अगर मुझे यहाँ पे इनपुट लेना होता है तो 2 टाइम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एलडी स्पेस X0, ये हमारा इनपुट बन गया। अगर मुझे ND स्पेस M0 लेना है तो M0 ले लेते हैं, ठीक है। बट वंस अगेन ld स्पेस x अगर 5 लिखना है, कुछ भी लिखना है, चाहे x4, तो इन दोनों पॉइंटों का क्या मतलब, इन सभी पॉइंटों को भी समझ लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे। अब देखिए यहाँ पे इंटर डिवाइस एंड लेवल कमेंट कंटिन्यूसली, अब इसका देखिए, मैं अगर x4 लिखा, अगर इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट नहीं किया तो सीधे ओके किया तो x4 लिख के आ गया, बट इससे आगे कमेंट इसका नहीं पूछा और ना ही एक न्यू पॉइंट बन गया, मींस न्यू एनो कॉन्टेक्ट बन गया। तो वंस अगेन क्या करूंगा, मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे स्पेस और x6 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हैं x6। अब इस पॉइंट को मैं ओके करके दिखाता हूं, इस पॉइंट को ओके करने के बाद ये हमसे कमेंट के लिए भी पूछेगा और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछता है, x6। अब यहां पे आ गया इनपुट कमेंट के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको सेंसर लिख देता हूं, सपोज सेंसर, और सेंसर लिखने के बाद ये इसका कमेंट बन गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये यहीं पे समाप्त हो गया। अच्छा, इसका कमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका कमेंट आप देखने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, व्यू पे चले जाइए, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे कमेंट डिस्प्ले ओके कर दीजिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंसर दिख रहा है, बट वंस अगेन मैं अगर यहाँ पे एलडी स्पेस x10 लिख दिया, ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, इस सिंबल को हटा देता हूं और इस सिंबल को ओके कर देता हूं, x10। तो देखिए x10 लिख गया, वंस अगेन डबल क्लिक किया बिना ही कुछ यहां पे आ गया, और वंस अगेन मैं यहां पे ld स्पेस x12 लिख देता हूं, जैसे ही ओके करूंगा वंस अगेन एक न्यू इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए पॉइंट बन जाएगा। तो आप यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, इंटर सिंबल कंटिन्यूसली, लगातार आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे ये आगे बढ़ते जाएगा। सपोज मैं एक्स यहां पे लिख दिया ld x16, तो इसके बाद देखिए जैसे ही मैं ओके करूंगा तो वंस अगेन न्यू पॉइंट बनकर आ गया, जब तक इसको मैं कैंसिल नहीं कर देता। अब देखिए यहां पे मैंने दोनों पॉइंट को ओके कर देता हूं, यहां पे इंटर डिवाइस कमेंट और इसको ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद देखिए ये हमसे कमेंट के लिए भी पूछने लगेगा, तो मैं सपोज मीन्स इनपुट लिख देता हूं, आई एम इनपुट लिख दिया, ठीक है, ये हमारा कमेंट है और एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। अब यहां पे लिख दो सपोज एलडी स्पेस M10 या फिर M20 लिख दिया, तो देखिए ये दोनों मैंने ओके कर रखा है तो कमेंट भी पूछेगा और एक न्यू पॉइंट भी बन जाएगा। ओके किया और देखिए हमसे कमेंट पूछ रहा है, तो मेमोरी लिख देता हूं, M, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, MEMOR कुछ भी लिख सकते हैं। ये सपोज मैंने कमेंट लिख दिया और देखिए अपने आप एक न्यू पेज बन गया, मीन्स न्यू एक कॉन्टेक्ट के लिए पॉइंट बन गया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं और यहाँ पे OUT OUT Y0 में लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे OUT OUT Y0 और यहाँ पे कमेंट आप चाहें तो कमेंट दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, आपका मूड नहीं करता है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए और इन दोनों पॉइंट को ऑफ कर दीजिए, मीन्स हटा दीजिए हाईलाइट से, तो ये सिंपली आपसे कमेंट वमेंट कुछ भी नहीं पूछेगा। सपोज यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, एक और ऑप्शन, सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि एलडी स्पेस x4, तो हमको एलडी लिखना पड़ा और जाके उसका एनो बन गया। अगर मैं सीधे सीधे x4 लिखता तो क्या होता, x4 भी अगर लिखते हैं तभी भी x4 का ही एनो बन जाएगा। अगर यहाँ पे x5 लिख दिया, x5 का एमओ बन जाएगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि एलडी लिखना। सपोज मैंने लिख दिया M20, अब चाहे M25, यहाँ पे लिख दिया M25, तो M25 का एमओ बन जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया M30,
तो अब देखो, अगर आप इसको एनओएनसी यूज करना चाहते हो तो सिंपली यहां से भी यूज कर सकते हो, उसका एनसी कुछ भी जो भी लेना चाहते हो वो एनसी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर आउटपुट लिखना है तो सिंपली आप वाई लिख देंगे, वाई वन वाई टू जो भी आउटपुट, तो ऑटोमेटिक ये वाई लिखने का मतलब ये आउटपुट पॉइंट को बन जाएगा। तो ये सब इनको कुछ पॉइंट था जो आपको जानना जरूरी था कि आप मीन्स ऐसे अगर आपने इन दोनों को हाईलाइट किया तो इसका क्या मतलब है, कैसे इसमें कमेंट को ऐड करेंगे और कैसे आउटपुट को वाई जीरो वाई वन जो भी कुछ लिखना है इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए है कि आपको बेसिक पॉइंट सभी आइडिया होते रहे कि कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके शॉर्टकट की क्यों समझेंगे कि जो ये हमारे शॉर्टकट की लेडर डायग्राम में कैसे यूज करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है रोल है, तो अब इसको कैसे यूज करना है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।